तुम्हारी पार्किंग में बाइक किसने लगा दी है? सैम सैम, मैंने ही सुधीर की बाइक वहाँ रखी थी। इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा ये शैतान। आदमी को पावरफुल बनने के लिए सीक्रेट्स की जरूरत पड़ती है। हैकड़ो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में, जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है, वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है, जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम
को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता।
विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं।
कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहाँ पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है।
मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी
और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है, और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि
सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ
उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह समीर सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है। वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास
दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है, जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम
को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता।
विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं।
कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकर्ड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है।
मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकर्ड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी
और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है, और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि
सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ
उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह समीर सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है। वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह समीर सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास
दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है, जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम
को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता।
विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकर्ड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं।
कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है।
मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी
और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है, और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी ना होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि
सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहां पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहां से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है कि कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ
उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह समीर सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है। वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी ना होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है, जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह समीर सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास
जलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है, और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है, जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है, विवेक तिवारी है, जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम
को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता। विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है, जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और उसे अपनी उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म की कहानी फिर से अगले दिन में आ जाती है। सैम देखती है सैम की कार्यालय में प्रवेश वह नहीं कर सकती, क्योंकि उसके मालिक को पता चलता है कि कंपनियों की कुछ फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वह उसके लैपटॉप से हैक हो गई है। भ्रमित सैम विवेक को कॉल आता है जो बताता है कि सैम का लैपटॉप उसी ने हैक कर लिया है और सैम के बॉस को सबक सिखाने के लिए कंपनी की जो इम्पोर्टेंट और जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वह उसने लीक कर दी है। विवेक ने पहले कुछ पुलिस रिकॉर्ड तक हैक कर लिए थे और एक मोबाइल विक्रेता का नाम मास्टर माइंड के रूप में वहाँ पर अपलोड कर दिया था, क्योंकि उसने सैम के फ़ोन की मरम्मत करने से ही मना कर दिया था। सैम विवेक को एक कैफ़े में बुलाती है और उससे जो कुछ उसने किया उसे वह वापस ठीक करने को कहती है। विवेक उसे बताता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है, समीरा भड़क जाती है और वह सबके सामने उसे थप्पड़ मारती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उससे दूर रहे। घटना से अब विवेक काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया। वह सैम की कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञों का विश्वास दिलाता है कि सैम ने ही फाइलें लीक की है, जिससे वह निकाल दिया जाता है। ओम सैम को छुट्टी पर ले जाता है और गोवा में वह आराम करते हुए पाए जाते हैं। हैकड़ इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है समीरा सैम खन्ना के नामक एक लड़की से। समीरा सैम खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम कर रही एक खुशहाल जिंदगी जीती है। उसका पड़ोसी विवेक है। विवेक तिवारी है जो उससे प्यार करता है, वह उस पर क्रश है। सैम को अपना प्रेमी ओम कपूर से प्यार है, जो कि एक अभिनेता है और एक उन दोनों के बीच रिश्ता भी है, क्योंकि वह जब चाहे तब भावनाओं का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे के जब चाहे तब करीब जाते हैं। सैम का जन्मदिन होता है। सैम की जन्मदिन की पार्टी में अपार्टमेंट में जहां उसके सभी दोस्तों एवं सहकर्मियों को उसने आमंत्रित किया है, लेकिन वह टूट जाती है जब ओम पार्टी में किसी कारणवश शामिल होने से इनकार करता है तथा वह नहीं आ पाता।
विवेक उसके फ्लैट को साफ करने में उसकी मदद करता है और सैम अचानक टूट जाता है और विवेक और ओम विवेक के संबंधों के बारे में उसे पता चलता है। एक शराबी राज्य विवेक उसे सत्वना देने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सैम उसे चूम लेता है। विवेक फिर पारस्परिकता करता है और वे भावुक यौन संबंध तक रखते हैं। कहानी फिल्म की अगली सुबह तक दिखाई जाती है जहां पर सैम जागती है और विवेक को अपने बगल में सोते हुए वह काफ़ी ज़्यादा हैरान एवं चौंक जाती है, परेशान हो जाती है। विवेक कहता है कि ठीक है, जिस पर सैम कहता है कि वह उससे बाद में बात करेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। फिलहाल सैम अभी भी कार्यालय में अपनी पिछली रात में क्या हुआ इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, जिस पर उसका बॉस फोरम में अनुपस्थित रहने के लिए उस पर चिल्लाता है। मीटिंग में सबके सामने सैम काम में बिजी न होने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है। विवेक जो बाहर ही खड़ा है वह यह सब कुछ सुनता है और जवाब में सैम के लिए भोजन प्राप्त करता है और बाकी सभी को दोपहर के भोजन के लिए भी जाने को कहता है। यहाँ पर सैम परेशान है और विवेक को वह चेतावनी देती है कि पिछली